हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों एवं सब्सक्राइबरों का स्वागत करते हुए आज आप तक एक लेटेस्ट वीडियो जो स्पोकन में बहुत ही काम का है, साथ ही साथ मित्रों ट्रांसलेशन को मजबूत बनाने में, मॉडर्न स्टाइल में बोलने के काम लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो बिना देर किए हुए आइए हम लोग देखते हैं। प्रायः हम बोलते हैं ऊपर से नीचे तक, जिसे वह ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था, श्याम ऊपर से नीचे तक काला कपड़ा पहने हुए था। मैंने एक ऐसे लड़के को देखा जो ऊपर से नीचे तक गंदा था, धूल से सना हुआ था। तो मित्रों, ऐसे वाक्य जो ऊपर से नीचे तक के लिए आते हैं ना, तो उन्हें हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय किस वे में हम करते हैं, आइए हम सीखते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। तो मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या आए हुए हों, तो उन मित्रों से हम आग्रह करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन वीडियो ज़रूर पढ़ें। चैनल में आप और ढेर सारे वीडियोज हैं, ग्रामर के हर टिप्स, हर तरह का ग्रामर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए भी, जूनियर क्लासेस के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो मित्रों, चाहे जिस भी क्लास के आप हों, यदि आपने पढ़ाई छोड़ भी दिया है, सर्विस में है, किसी जॉब में है और इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं, इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं, तो आप मेरे चैनल पर आकर के इंग्लिश के एक छोटे से छोटे ट्रांसलेशन से लेकर बड़ा ट्रांसलेशन बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास मैंने किया है। आशा है कि आपको निश्चित समझ आएगा। तो आइए, जो हमारा आज का टॉपिक है मित्रों, वह है ऊपर से नीचे तक। किस वे में हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं, इसका अनुवाद बहुत ही सरल है। देखिए, जब भी वाक्य में ऊपर से नीचे तक आएगा ना, तो हम ऊपर से नीचे तक के लिए कोई हमारे पास अलग से शब्द नहीं है, उसको हम यूज करते हैं फ्रॉम हेड टू टो। ये फ्रेज है, मुहावरा, फ्रॉम हेड टू टो। इसके साथ ही साथ आप देखें टॉप टू टो, फ्रॉम हेड टू टो या फ्रॉम टॉप टू टो। यदि आप चाहें तो फ्रॉम का प्रयोग करें भी और ना भी करें, माने आइदर यू में यूज आर नॉट, जैसे आप चाहें। फ्रॉम का प्रयोग करना मस्ट नहीं है, आपके सेंस के ऊपर है कि आप उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो आइए कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाते हैं। मित्रों, ट्रांसलेशन जिस वे में आप करते हैं, वाक्यों का ट्रांसलेशन बना दीजिए और आवश्यकता अनुसार लास्ट में या बीच में जहाँ उसकी ज़रूरत हो, आप हेड टू टो या टॉप टू टो का प्रयोग करेंगे। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। मित्रों, आपके सामने वाक्य है लता किरण को ऊपर से, लता किरण को ऊपर से नीचे तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा और हंसने लगा। हंसने लगी। आप देख रहे हैं लता किरण को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसने लगी। अब यहां देखा कुछ कर, लता एक फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, इसलिए मित्रों देखा नहीं, देखी होगा। लता किरण को ऊपर से नीचे तक देखी और हंसने लगी। अब आप इस सेंस में आप देखें कि लता ने किरण को देखा ऊपर से नीचे तक, फिर हंसने लगी। क्यों हंसी, उससे हमसे मतलब नहीं है। सेंस अपना जो अनुवाद का हंसने लगी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। तो ऐसे वाक्यों में हम देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लता ने किरण को ऊपर से नीचे तक देखी या देखा। लता
पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, वी टू लगता है। लता सा किरण, लता ने किरण को देखा, कहाँ से कहाँ तक देखा, ऊपर से नीचे तक, मीन्स हेड टू टो। यदि आप चाहें तो यहाँ टॉप टू टो भी लिख सकते हैं। और क्या करने लगी, एंड स्टार्टेड हंसने लगी, स्टार्टेड क्या करना शुरू किया, लाफिंग हंसने लगी। यदि आप चाहें तो यहां पर बिगेन टू लाफ भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग लाफिंग की जगह एंड बिगेन टू लाफ भी लिख सकते हैं। आइए कैसे मैं दिखाता हूं आपको। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आप देखें। लता ने किरण को ऊपर से नीचे तक देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जो मित्रों ने पढ़ा है टेंस को मेरे साथ, मेरे चैनल के शुरू से ही सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए व्यूअर हैं, जो नए लोग दिखने वाले हैं, वो लोग ध्यान दें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हर सब्जेक्ट के साथ वी टू का प्रयोग करते हैं। तो लता ने किरण को ऊपर से नीचे तक देखा, लता सा किसको देखा, किरण को, तो लता सा किरण ऊपर से नीचे तक ले आप लिखेंगे हेड टू टो, या लिख सकते हैं कि फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड की जगह आप टॉप भी लिख सकते हैं, फ्रॉम टॉप टू टो। और हंसने लगी एंड स्टार्टेड लाफिंग। यदि आप न लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बिगिन टू लाफ, बिगिन टू लाफ मैंने हंसने लगी, हंसना शुरू कर दिया उसने। बात समझ आ रही है, पहले हम सब पहले टेंस का अनुवाद कर देंगे, ट्रांसलेशन करेंगे जिस भी टेंस में है, इसके बाद सीधे उसमें आगे वाले भाग के अनुसार अगर लंबा वाक्य है तो एंड आदि से लगा करके जोड़ देंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ मित्रों, नेक्स्ट एग्जांपल आप नोट कीजिए। ओ ऊपर से नीचे तक, वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था, अब आप देखिए, वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था। ओ मीन्स ओ, दैट पर्सन मीन्स ही, भीगी हुई थी होता तो सी हो जाता मित्रों, आई तो आप समझ रहे हैं। तो वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था, वो मीन्स अगर भीगी हो जाता तो ही हो जाता, ही की जगह सी हो जाता, लेकिन भीगा हुआ था, इट मीन्स सब्जेक्ट है ही, वाज भीगने के लिए होता है ड्रेंच, ही वाज ड्रेंच्ड। अब ऊपर से नीचे तक के लिए आप चाहें तो फ्रॉम लिखें और चाहें तो ना लिखें, कोई जरूरी नहीं है, फ्रॉम टॉप टू टो, टॉप की जगह आप हेड भी लिख सकते हैं। बार बार मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मित्रों कि आप यहां पर जो फ्रॉम लिखा हुआ है इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप फ्रॉम चाहें तो लिखें और चाहे तो इसको अपने यहां से रिवर्स कर दें, डिलीट कर दें, बैक कर दें, वापस कर दें, मत लिखें, रिमूव कर दीजिए। ही वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू टो, चाहे तो फ्रॉम हेड की जगह आप टॉप भी लिख सकते हैं, वही अर्थ है, फ्रॉम ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज ड्रेंच्ड टॉप टू टो, हेड टू टो, बस। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो शायद आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नोट कीजिए, उसकी शरीर ऊपर से नीचे तक दर्द कर रही थी। अब उसकी शरीर ऊपर से नीचे तक दर्द कर रही थी या दर्द कर रही है, कुछ भी लिखिए, तो उसकी शरीर के लिए आप क्या लिखेंगे,
हिज बॉडी। अब अगर है होता तो इज लिखते, था है तो क्या लिखेंगे, वाज, हिज बॉडी वाज, दर्द कर रही थी, गेटिंग, क्या गेटिंग, पेन, गेटिंग पेन, हेड टू टो या टॉप टू टो, या इसके पहले आप चाहें तो फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं मित्रों। यहां पर आप देखें, मैं पुनः एक बार आपको फिर से बैक ले चलता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है मित्रों सब्जेक्ट, उसका शरीर, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, किसी को कुछ भी हो सकता है, तो हिज बॉडी, योर बॉडी, माई बॉडी, राम्स बॉडी, लताज बॉडी, किसी की बॉडी हो सकती है। तुम्हारा वाक्य है उसकी शरीर ऊपर से नीचे तक दर्द कर रही थी, तो हिज बॉडी वाज गेटिंग पेन, मीन्स दर्द करना, बहुत दर्द होना ऊपर से नीचे तक, ले हेड टू टो, टॉप टू टो, या फ्रॉम हिज के परे आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। अगर मित्रों उसका शरीर ऊपर से नीचे तक दर्द कर रही है शब्द हो जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, तो वाज की जगह आपको इज लिखना है, हिज बॉडी इज गेटिंग पेन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आई होप यू हैव टू बी कन्फर्म बाई दिस वेज। तो मित्रों इसी तरह से आप एक एग्जाम्पल नोट कीजिए होमवर्क के लिए। मैं चाहूंगा कि आप इसकी बेस पे आप एक होमवर्क बनाएं, होमवर्क है श्याम ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए था। श्याम ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए था। मैं आपको हिंट दे देता हूं, सब्जेक्ट आप लिखेंगे श्याम, ऊपर से नीचे तक करीब लिखना आपको हेड टू टो या टॉप टू टो, कपड़े पहने लिए था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज रहेगा, श्याम वाज। अब कपड़ा पहनने के लिए आपका V4 लगाएंगे, वीएनिंग, बस बाकी आप स्ट्रक्चर पर फॉलो कीजिए, बैठाने का प्रयास कीजिए, कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, फिर मैं आपको, अगर आपका कमेंट ठीक नहीं लगेगा, सही नहीं रहेगा, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा कमेंट के माध्यम से ही। हर वीडियो के लास्ट मेरे मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सएप पे आप किसी भी तरह कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मित्रों। व्हाट्सएप के अलावा कॉल पर बात छोड़ पाना संभव है नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर मैं आपका मित्र धर्मेंद्र सिंह बंद करता हूँ। पुनः नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक के साथ हम लोग पुनः मिलते हैं। ट्राई अगेन, सी अगेन, आई होप, टेक केयर प्लीज, थैंक्स।